हेलो नमस्ते सलाम, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे नए दिन के नए ब्लॉग में। तो अभी देख सकते हो कितने बजे वर्ड पाई ऑलरेडी हो चुके हैं और आप सेट करेंगे जो अभी बनाया है, पापड़, खीमे की तरकारी और खिचड़ी, और ये मेरा फेवरेट घास। तो अभी सेहरी कर लेते हैं, इसके बाद हम नमाज पढ़ लेंगे और कुरान भी पढ़ लेंगे आज। तो मिलते बाद में, ठीक है। हेलो गाइस, तो अभी जस्ट सेहरी कर ली, नमाज पढ़ ली, तहज्जुद भी नमाज पढ़ ली और फजर की भी नमाज पढ़ ली मैंने। तो अब थोड़ा टाइम बचा तो अभी सो जाते, क्योंकि बाद में उठा तो है ही। तो मिलते अभी। हाँ, हमें कल का ब्लॉग भी हमें कल का ब्लॉग भी अपलोड करना है। जब मैं उठूँगा ना, तब मैं ब्लॉग अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगा। तो मिलते बाद, ठीक। तो बस अभी जस्ट उठा हूँ और अभी देखो कितने बजे, 7:45 बज चुके हैं। और अब मैं करने जा रहा हूँ हमारा कल वाला ब्लॉग अपलोड, जो काफ़ी लंबा है, क्योंकि 5-6 GB का वो बना है, वो 4K में। तो वो हिसाब से अभी से इसे अपलोड करने का देख लेता हूँ, बाद में तकलीफ नहीं पड़े। ये देखो हलीम की प्रिपरेशन, ये मैंने आपको कल दिखाया था कि यहाँ पे हलीम बनती है और अभी से बनना स्टार्ट हो जाता है, तो वो 12-1 बजे तक के आसपास बन जाता है। ये सब रमजान का बाजार का, ये पूरा चीज, रमजान का बाजार पूरा लगेगा यहाँ पर। अभी तो सिर्फ तैयारी हो रही है कुछ, क्योंकि अभी सिर्फ दूसरा रोजा है, तभी तैयारी हो रही है सब। ये तो कुछ नहीं है, ये सारा तो कुछ नहीं अभी। ये तो अभी कुछ नहीं है, ये सब 15 रोजे बाद देखियो, जो पब्लिक आती है। हाँ, तो यहाँ से देख लेते। यहाँ पे पूरा रमजान मजा बना था, पूरी सूरत की बॉडी यहाँ आती है। अभी नहीं, 15 रोजे बाद आएगी, मजा आएगा। अभी देखो कितने बजे, 8 बज चुके और हमें घर आ गया। तो अब पहले देखते कि हमारा, हाँ, तो अब देखते हैं कि हमारा ब्लॉग अपलोड हो चुका होगा। इसके बाद हम अपलोड करेंगे हमारी रील्स, तो देख लेते हैं। हाँ, ये देखो हमारा कल का ब्लॉग अपलोड हो चुका है, रमजान का पहला रोज़ा। हेलो गाइस, अभी मतलब आधा घंटा पहले उठा हूँ, अभी जोहर की नमाज पढ़ ली और अभी बाहर आया। तो ये देखो, जो मेरा ये बोर्ड बंद था पहले, अभी वायर मैंने पूरा एक करके गया, इसको भी सीधा कर लिया। देखो, इसके वायर को पहले छोटा कर दिया, फिर ये यूज़ करना नहीं पड़ेगा अब, सीधा कनेक्शन से यहाँ ले लिया। ये जो वाईफाई के, ये दो मेन इसके, ये चीज़ कर लिया इसने। फिर दूसरा इसने आगे, जो मैं आपको हर वक्त में आपको तहज्जुब में जो घड़ियाल दिखा रहा था, वॉच दिखा रहा था, वो एक्चुअली लाइट वाली थी, वो अब लाइट चालू हो गई थी। तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि साफ़ सफाई हो रही है, तो वो हिसाब से मैं बाहर नहीं जा रहा। और अब मुझे करना है कुरान पढ़ना, तो मैं कुरान पढ़ने बैठूंगा। तो फिर 3-4, 3:30 बजे तक आराम से पढ़ूंगा। अभी 2 बजे, अभी देखिए कितने बजे, 2 बजे अभी। तो अब मैं कुरान पढ़ूंगा 1.5-2 घंटे, तो इसके बाद फिर निकल जाऊँगा भाई के पास। तो मिलते बाद। ये देखो कुरान मस्जिद, गुजराती हर फॉर्म है, मैं गुजराती इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसके मैं ये लफ्ज़ नहीं पढ़ूंगा। इसमें देखो दो लफ्ज़ नहीं, सीधा मैं तर्जुमे वाला पढ़ूंगा। मैं ये मैंने डिसाइड करा इस बार, ये सीधा तर्जुमे वाला पढ़ूंगा, कि इसका मतलब मुझे पता चलेगा कि ये कुरान कहना क्या चाहता है। ठीक है, उर्दू में तो पढ़ लूँगा, लेकिन उर्दू में भी आता नहीं, लेकिन उर्दू में पढ़ के मुझे मतलब क्या, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसकी
वर्ड समझ नहीं आते तो फिर मतलब क्या। तो वो उसके लिए मैंने ये सोचा, ये देखो ये पूरे इसके तर्जुमे, तर्जुमे मतलब कि इसके मतलब के साथ ही, इसका मतलब क्या है पूरा, ये उर्दू में लिखा, ये गुजराती में लिखा, इसके मतलब तो ये पूरा मतलब के साथ जो है ना वो पूरा वो सब पढ़ूंगा मैं, इससे मुझे पता चले कि ये कुरान कहना क्या चलता है एक्चुअली, क्योंकि इसमें बात लिखी क्या है। तो सब लोग कहते हैं कि भाई मैंने 10 कुरान पूरा करे, रमज़ान में 15 कुरान पूरा करे, मतलब ही क्या। अरे तुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कुरान का मतलब है, मतलब कहना क्या चाहता है कुरान, कुरान का लिखा क्या है, सिर्फ पढ़ रहा क्या मतलब। अगर तुझे समझ आता हो कि भाई कुरान ये चीज़ कहना चाहता है, ये लफ्ज का मतलब ये लफ्ज़ होता है, तो फिर तुम्हें कुछ काम में आवे वो आगे आके, अगर मतलब ही नहीं है तो फिर ये पढ़ गई मतलब क्या। इसीलिए गुजराती में पढ़ रहा हूँ जिससे मुझे पता चले कि ये एक्चुअली कहना क्या चाहता है। तो अभी स्टार्ट कर दे। तो अभी अभी जस्ट कुरान पढ़ लिया है, देख सकते हो। और अभी बजे कितने 3 बज चुके हैं, हमने करीब एक कलाक हमने कुरान पढ़ा। और अब करने जा रहे हैं क्या करें, क्या है ये सब माहौल है पूरा। तो अभी हम करने जा रहे हैं 7 तक, अभी कुछ काम तो नहीं है, तो इससे अच्छा हम एडिट कर लेते हमारी तहज्जुद वाली, क्योंकि भाई रात को बहुत ज़्यादा ये हो गया था, क्योंकि अभी मैंने एक नई वीडियो भी, एक नई रील्स भी एडिट करना स्टार्ट कर चुका हूँ, तो वो हिसाब से मैं अभी एडिट करने बैठ गया था। अभी अभी जस्ट मैंने तहज्जुद की रील्स एडिट करके ये कर दी। अभी बजे कितने देखो, 3:30 बज चुके हैं। और चलेगा, और मैं ये आपको ये दिखाना चाहता था, ये मैं हर तहज्जुब के हर एक रिलीज में मैं ये आपको घड़ी दिखा रहा था, लेकिन वह इसकी वायरिंग नहीं हुई थी, लेकिन अब इसकी वायरिंग सब हो चुकी है। तो खाने में क्या बनाया, तो खाने में देखो क्या बनाया, ये क्या, ये खीमे की पेटी से, फिर ये आलू है, वो चाइनीज आलू का बड़ा वो आएगा पूरा, चलो समझ गया। ये क्या, ये घास में क्यों नाक गई, ये मेरी मर्जी, मेरे को नहीं पसंद है, मत खाइयो, मेरे लिए मंगा दे, मेरे लिए देखो ये घास में से ये नाक गया, जो पसंद है ही नहीं मुझे, अंडे के रेशन है और इतना ही, पाटोड़ी पाटोड़ी बनाएगी तो अभी हम तैयार हो जाते क्योंकि हमें जाना है भाई के पास। तो सबसे पहले मुझे ये चाहिए, ये मेरे ग्लव्स, क्योंकि ये 7 पीस आए थे, 7 में से मुझे 2 के 3 भाई को देना, भाई को मैं रखने वाला हूँ, तो अभी कौन सा देता हूँ देखो। आया तो मैं कौन सा रखूँ, ब्लैक जो मेरे पास है तो मैं दे देता हूँ उसको, फिर दूसरा ये पर्पल, वाइट तो मैं रखना चाहता हूँ, वाइट रखूँगा, ये स्काई ब्लू में रखूँगा, फिर पर्पल ये भी एक रखूँगा, ये भी एक मैं रखूँगा, ये मैं सोच रहा हूँ कि 3 में से कोई एक दे दूँ उसको, कौन सा दूँ, पिंक दे देता हूँ, तो पिंक ये दो भाई को दे देता हूँ, ब्लैक में पिंक, बाकी ये सब मैं मेरे पास रखता हूँ। और अभी उसमें से अभी मैं कौन सा पहनूं, अभी ये पहन लेता हूँ, अभी इसका उद्घाटन कर दे अपने, ठीक है। तो हमने ये पहन लिया है, अब यहाँ से हम निकलते, ये दो भाई को देखूँगा। तो अब जा रहे हैं सीधा घर, बहुत कटौती का टाइम आ गया। तो ये रहा आज के इफ्तार का खाना, चलो मैं आ जाऊँ, रखाओ खाड़ी है। हेलो गाइस, व्हाट्सअप क्या हाल है। तो अभी बज चुके हैं देखो कितने, और ये कैसे चमक रही रात को देखो, 8:30 बज चुके हैं अभी। और अभी मैं जा रहा हूँ ईशा पढ़ने के लिए, ईशा के साथ थे अभी तरा भी पढ़ लेंगे। तो हेलो गाइस, हम अभी अभी जस्ट घर आए तरा भी पढ़ के,
और अब हम काम करने वाले हैं हमारा एडिटिंग का। अभी देखो कितने बजे, ऑलमोस्ट 10 बज गए और अब एडिटिंग का काम चालू करेंगे और सब बजते बजते टाइम लगेगा थोड़ा, तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। आप लोगों को अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करो और मिलते कल नए दिन के नए ब्लॉग। बाय बाय, सी यू सून।